अभी तक जो हमने सुना वो प्योरली थियोरेटिकल था, अब जो हम सुनेंगे वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बट वही हम पूरे चैप्टर में कर भी रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या है। तो बिफोर वी मूव फर्दर, हम क्या कर रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन, हम क्या कर रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आपकी बुक में। टी एस ग्रेवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन द रेशियोज आर कैटेगराइज इनटू फोर टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियोज, फर्स्ट क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, कोई बता सकता है लिक्विडिटी रेशियोज का पर्पस क्या होता है? ट्राई, लिक्विडिटी रेशियोज बाय डू वी कंप्यूट और कैलकुलेट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियोज एक कैटेगरी है, उसमें आएंगे डिफरेंट रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, मैं नाम पे तो बाद में जाऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करे जा रहे हैं। टू असेस, गुड ट्राई, टू असेस द शॉर्ट टर्म, टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास सफिशियंट फंड्स हैं कि नहीं है अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन असेस करने के लिए क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। फिर सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी, दे आर टू असेस द लॉन्ग टर्म, दे आर टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन। फिर थर्ड कैटेगरी होती है एक्टिविटी, एक्टिविटी और टर्नओवर, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। ये असेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, ये असेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स। तो आप डेटर्स टर्न, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशियो निकाल रहे होगे, ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशियो निकाल रहे होगे, स्टॉक इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो निकाल रहे होगे, तो वो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर एरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बिजनेस ओनर के लिए तो उसके लिए लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर भी इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इन्वेस्टर है बाहर वाला, उसको बाकी चीजों से ज्यादा इतना लेना देना नहीं जितना प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना होगा। सॉल्वेंसी से तो होगा ही होगा, बट ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि उसको जहां लगेगा दिक्कत है वो पैसे विड्रॉ कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कोई आपको क्रेडिट पे सामान बेच रहा है तो वो टर्नओवर रेशियोज में एक चीज आएगी, वो चीज उसको देख लेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन के लिए इंटरेस्टेड होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, शॉर्ट टर्म में कंपनी फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, उसको उससे मतलब होगा। यस और नो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी, अगेन ये भी एफिशिएंसी ही चेक कर रहे हैं, बट इसमें भी क्या होगा, विद रिगार्ड टू अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट रेशियो है तो ओवरऑल एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी विद रिगार्ड, एक सेगमेंट हो सकता है, ओवरऑल हो सकती है, तो वो तो करेंगे ना, बट एक जनरल में अगर मैं पूछूंगा कि लिक्विडिटी रेशियोज क्यों है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन असेस करने के लिए, सॉल्वेंसी रेशियोज क्यों कैलकुलेट हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन असेस करने के लिए, टर्नओवर रेशियोज क्यों है, हमारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए विद रिगार्ड टू हमारी स्टॉक
रोटेशन स्पीड, हमारे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, उस परफॉर्मेंस को, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी एफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, क्या है ये? मॉडर्न क्लासिफिकेशन. लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियो सीखेंगे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियोज में मल्टीपल हैं, फाइव रेशियोज हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. मैं कह रहा हूँ रेशियो के नाम से ज्यादा जरूरी अभी आपके लिए क्या है, कैटेगरी का नाम. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी, की चार सेगमेंट्स हैं. कौन से रेशियो वो तो अभी आएंगे ना, उसका तो फॉर्मूला भी आएगा. मतलब ये मैं बोलूं डेट कवरेज रेशियो, अरे उससे क्या हो, उससे कुछ पता भी नहीं चल रहा आपको कि सर मतलब क्या क्या आएगा, नहीं ना. तो इससे अच्छा है कि लिक्विडिटी रेशियोज, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, आपको सिर्फ कैटेगरी के नाम पता होने चाहिए अभी के लिए. फिर जब लिक्विडिटी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कौन से आते हैं, वही रेशियोज तो हम अटैक कर रहे होंगे. अभी क्या पॉइंट बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन दो तरीके की हैं, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो एग्जिस्ट करती है हमारी बुक में, और दूसरी जो कि थियोरेटिकली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. क्लासिफिकेशन दो तरीके की है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. तो मॉडर्न तो TS लेवल में एग्जिस्ट करती है, ट्रेडिशनल नहीं है, बट इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं थियोरेटिकली. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन टाइप के रेशियोज होते हैं. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन टाइप के रेशियोज होते हैं, एक बैलेंस शीट रेशियोज, एक इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, और एक मिक्स्ड रेशियोज. कह रहे तीन टाइप के रेशियोज होते हैं. एक बैलेंस शीट रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज कौन से हुए, जो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बैलेंस शीट चाहिए. इनकम स्टेटमेंट रेशियोज क्या हुए, जो रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट चाहिए. मिक्स्ड रेशियोज क्या हुए, जिनके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट से चाहिए होगी और कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से चाहिए होगी. तो ये होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. सर कुछ आप एग्जाम्पल भी बताइए दो, सिर्फ सुनने के लिए है अभी, क्योंकि आपको जब उसका फॉर्मूला ही नहीं पता तो अभी सिर्फ सुन रहे हैं. क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का नाम सुन लिया तो एक दो एग्जाम्पल्स बस आपके रेफरेंस के लिए, ताकि ये कंप्लीट हो. लेकिन आप ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड कब कर पाएंगे, जब वो आप वो रेशियो एक्चुअली कर चुके होंगे. जब मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो दिखेगा ना कि अच्छा करंट रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो है, आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला ही, अगर मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं तो करंट रेशियो का फॉर्मूला भी पता है? नहीं पता. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप ये रिलेट नहीं कर पाएंगे कि क्यों वो बैलेंस शीट रेशियो की कैटेगरी में आ गया. अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब इसके क्या कॉम्पोनेंट्स थे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज. तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे, इनकम स्टेटमेंट में मिलेंगे, या बैलेंस शीट में मिलेंगे? पूछ रहा हूं मैं, कहाँ मिलेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में. तो इसलिए उसको बैलेंस शीट रेशियो कहते हैं. तो बैलेंस शीट रेशियो की जो रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ बैलेंस शीट चाहिए तो वो बैलेंस शीट रेशियो उसकी कैटेगरी में आ जाएगा. सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो वो, अब इसका एक और एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाती है. और मिक्स रेशियो ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्नओवर रेशियो. बट मैं आपको भी क्या बोल रहा हूं, अभी आपको पता ही नहीं कि रेशियो क्या है तो सर फिर बताइए क्यों रहे हो.
क्योंकि मैंने अभी आपको इसका मतलब बताया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तीन कैटेगरीज होती हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि बैलेंस शीट रेशियो का मतलब क्या है, कि आप जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगी। इनकम स्टेटमेंट रेशियो क्या होता है, जो रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी। मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, कह रहे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिलेगी। मुझे सब लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ गया, क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज।